Sony LIV. We live to entertain. Download the app. देख मैं तेरे को बोल रहा हूँ तो खामा खा पंगे ले रहा चल यार गिनी चल आराम से रॉकी भैया हाँ ये कोई जगह है साइकिल चलाने की? सॉरी आंटी, रियली सॉरी। अरे एक काम करना, साइकिल पार्क कर, हम टेरेस पे जाते हैं। मॉम कुछ खाने को लाई है ना? आपने इतने जोर से चिल्लाया मुझ पे, मैं डर ही गई थी। गिनी, 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 बेटा सुन, देख, अब तू बड़ी हो गई, इस बात का ख्याल रखा कर। माँ, मैं साइकिल तो चला रही थी ना, वो इसलिए क्योंकि रॉकी भैया ने अपनी साइकिल देने से इनकार कर दिया और कहने लगे कि लड़कों की साइकिल तू नहीं चला पाएगी, तो मैंने भी कह दिया कि मैं आपको चला के दिखाती हूँ, तो तभी राघव भैया आए और मैंने फोर्स किया। बेटा, मैं तेरे साइकिल चलाने के लिए कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि देख बेटा, अब तो बड़ी हो गई है, अब तुझे ना लड़कों से सलीके से पेश आना चाहिए, उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वो तो घर की बात थी, मैंने घर में देख लिया, अगर तू बाहर होती तो अच्छा थोड़ी लगता। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? नहीं, मुझे बस ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ कहने के लिए मैं नाइन्थ में आ गई हूँ, मैं बड़ी हो रही हूँ, लेकिन सारी चीजें वैसी की वैसी है। तो ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर। लेकिन सुन, बैठ बैठ यहाँ पर। देख मेरे कहने का मतलब है कि तू एक लड़की है। शांति हो माँ। बेटा, और तू बड़ी हो गई है। सभी बड़े होते हैं ना माँ। हाँ बेटा, लेकिन बेटा देख, मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जब लड़कियाँ बड़ी होती हैं ना तो लाश शर्म में रहती हैं, हैं? अब देख, मैं ये नहीं कह रही कि ये राघव जो है ये बुरा लड़का है, मैं ये कह रही हूँ कि ये लड़का है, और बेटा लड़कों से ना इतने पास नहीं रहते, मतलब देख तुझे अब बस इस बात का ख्याल रखना है कि उठना बैठना कैसे है, चलना फिरना कैसे है, घूमना फिरना कैसे है, समझ रही है? बेटा तू ना बस वो कर जो मैं कह रही हूँ, बाद में ये बात खुद ही तेरे समझ में आ जाएगी। माँ बाप के लिए कितना मुश्किल होता है बच्चों को ये समझाना कि अब वो बड़े हो। मुझे बस इतना बताओ कि मैंने जो साइकिलिंग क्लब ज्वाइन किया है तो क्या मुझे साइकिल मिलेगी? बेटा, मैंने तुझे साइकिलिंग के लिए कहाँ मना किया है? मैं तो तुझे जिस बात के लिए मना कर रही हूँ वो तो तेरे चल ठीक है, डैडी जी को शाम को आने दे, फिर मैं उनसे कहती हूँ कि तुझे साइकिल दिला दे। चलो मेरे थ्री मस्केटियर्स, दूध पी लो। ये क्या हो रहा है? हम रावी दीदी का मेकओवर कर रहे हैं, उन्हें फ्रॉक से प्रिंसेस बना रहे हैं। मैं फ्रॉक की फ्रॉग ही रहूंगी, मैं कभी प्रिंसेस नहीं बन सकती। और प्रिंसेस क्या, मैं तो कभी अच्छी नहीं लग सकती, है ही क्या मेरे पास? कुछ भी नहीं, ना अच्छे बाल, ना अच्छी स्किन, ना अच्छे कपड़े, आई हैव नथिंग, मैं कभी अच्छी लग ही नहीं सकती हूं। क्योंकि वो ये क्या हो रहा है? हम रावी सिटी का ना मेकओवर कर रहे हैं। बाय द वे प्रिंसेस, मैं सोच रही थी कि कल हम शॉपिंग चले, तुम्हारे लिए नई ड्रेस ले आएंगे। दूध पी लेना।
डील। चलो। हाँ पर ये टिपिकल टीनेजर बिहेवियर है। आप तो हर रोज उसे अपनी शक्ल पसंद नहीं आएगी, कभी उसे अपनी नाक मोटी लगेगी, आंखें छोटी लगेंगी, दांत बाहर लगेंगे, स्किन खराब लगेगी, यू नो हर बात में हर चीज में अपने आप में नुक्स निकालती रहेगी। बस उसका मन कहेगा कि मैं औरों की तरह क्यों नहीं लग सकती, मैं औरों की तरह क्यों नहीं हो सकती। औरों की तरह और कौन? और मतलब उसके फ्रेंड्स, उसके साथी संगी, द पीयर ग्रुप, यू नो। जीत, यही बात तो समझकर आपने मुझे उसे कॉन्टैक्ट लेंसेस दिलवाने की परमिशन दी थी, अब भूल गए? ये वही उम्र है जब एक पिंपल निकलने पर पूरी की पूरी दुनिया रुक जाती थी। मेरे पिंपल्स नहीं थे। वो हमारा दोष नहीं है, हमारे तो बड़े सारे पिंपल्स निकले थे पता है। और जीत, बच्चों को सजाकर ढककर शोपीस बनाकर घर में तो नहीं रखा जा सकता ना, उन्हें बाहर की दुनिया में निकलने देना पड़ेगा। वो अपनी उम्र वालों के साथ पड़े होंगे, ना कि सिर्फ आपके और मेरे साथ। और जो उनकी उम्र वाले करेंगे वो भी वही करना चाहेंगे, और हमें उन्हें वो करने देना पड़ेगा। लेकिन रावी ने तो अभी 10th स्टैंडर्ड पास भी नहीं किया है, मतलब सिर्फ एग्जाम्स दिए हैं, क्या वो बाहर की दुनिया में निकलने के लिए तैयार है? वो तो हमें तभी पता चलेगा जब वो बाहर की दुनिया में निकलेगी, है ना? इसे जानने का और कोई तरीका है भी नहीं। लेकिन मैं एक बात तो जरूर जानती हूँ कि हमारी परवरिश उसके साथ है, और थोड़ा बहुत ही सही, वो जरूर उसके काम आएगी। तुम सही कह रही हो, हमें उसे बाहर तो निकलने देना ही पड़ेगा। वाह दीदी, नई ड्रेस आपके लिए, खोल के देखो। मेरी बेबी, मैं खोलूंगा, मैं खोलूंगा, मैं खोलूंगा, मैं खोलूंगा। अरे जल्दी आओ। वाव, क्या वाव, ये सीरियसली बहुत अच्छी है, देखो तो। वाव, देखो, अरे ये ड्रेस यहाँ से कैसे आई? ये तो मैंने छोड़ दी थी। क्यों? अरे यार बहुत महंगी थी, और पता है पूरे स्टोर में ना मुझे सिर्फ यही पसंद आई थी। थैंक यू, वेलकम माय जान। लेकिन थैंक यू ना मौसी से कह, ये ड्रेस उन्होंने लेकर दी है। ओ, कहा कि रावी को अगर ये पसंद है तो वो पार्टी में यही ड्रेस पहन कर जाएगी। मैं वो ट्राई करती हूँ, पहले मौसी को फोन तो कर दे, थैंक यू कह दे। पक्का करूंगी, एक बार ट्राई तो कर लूँ, फिर बताऊंगी कैसी लग रही हूँ। हेलो हेलो मासी, पसंद आई ड्रेस? बहुत पसंद आई मासी, थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता आपने मुझे कितना खुश कर दिया, पता है आपने ना मुझे सच्ची में प्रिंसेस बना दिया। अरे तू तो है ही प्रिंसेस। थैंक यू मासी। तू पागल हो गई है क्या? क्रॉस कंट्री साइकिल रेस में पार्ट ली? बेटा ये कोई ऐसी वैसी रेस नहीं है, स्कूल के कंपाउंड में चक्कर नहीं मार रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट होती है यार। अरे तुझे कच्ची सड़कों पर, रास्तों पर, जंगल वंगल में से साइकिल चलानी पड़ेगी, कैसे करेगी? देख मैं समझ सकता हूँ जो अभी अभी 9th में आई है, लेकिन ज्यादा उड़ मत। पर भैया मेरा नाम लिखवा दिया है। क्या तू पागल हो गई है? देख मेरी बात मान, मैं भी पार्ट लेना, ये वही है ना जो संडे को हो रहा है। हाँ तरुण का फोन आया था, मेरे सारे फ्रेंड्स पार्ट ले रहे हैं और मैं लास्ट ईयर भी पार्ट ले चुका हूँ, तुझे सच में लगता है तो हमसे कम्पीट कर सकती है? भैया तरुण ने कहा कि जीतना जरूरी नहीं, पार्ट लेना जरूरी है, इट्स द स्पिरिट। आई नो इट इज द स्पिरिट, बट द स्पिरिट से कम रेस खत्म तो होनी चाहिए। अरे यार तू एक दो किलोमीटर के आगे जा ही नहीं पाएगी, सीधा रास्ता नहीं यार, क्लाइंब वगैरह करना है, लड़कियां नहीं कर सकती। ठीक है भैया, अब चाहे जो भी हो मैं पार्ट लूंगी और ये रेस कंप्लीट करके दिखाऊंगी। आप मुझे कमजोर समझते हो ना? ठीक है,
अब मैं आपको अपनी ताकत दिखाऊंगी, मैं करके दिखाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। Sony LIV, we live to entertain. Download the app. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.